का जनपद मोरवा ठावरा तहसील स्थित कार्यालय उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा कार्यालय उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा हम पहुंचे हुए हैं। और देखिए लोकेशन दिखा रहा हूं आपको, ये हाईवे रोड है जो कि मोरवास से सीधा बिजनौर जाता है। और देखिए ये कमालपुरी चौराहा है, कमालपुरी चौराहे पर हम पहुंचे हुए हैं। कमालपुरी चौराहे की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, कमालपुरी चौराहे पर ये यहां हम दिखा रहे हैं। रोज देश के अंदर, देश में रोज मौतें होती हैं, रोज लोग घटनाग्रस्त होते हैं, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट से लोग दबकर मर जाते हैं, कुचलकर मर जाते हैं। और देश देखने के लिए उसमें जमावड़ा लग जाता है, जनता खड़ी हो जाती है, जनता की भीड़ लग जाती है और अगले ही दिन अगले ही पल भूल जाते हैं। रोज एक मरता है और रोज एक परिवार से मातम होता है, दूसरे परिवार उसका दिखावा करने के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए, सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें बड़ा दुख हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कमालपुरी चौराहा है, ये कमालपुरी चौराहे पर हम पहुंचे हुए हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं तहसील ठाकुर द्वारा की तस्वीर है, जहाँ लोग ऐसा लगता है कि हमारे देश को ग्रहण लग गया है, हिंदुस्तान सोने की चुड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान। आज शायद हम ये कहते हैं कि लोहे की चुड़िया का भी इसका दाम नहीं है। और ऐसे में यहाँ अगर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने 2 साल अपना घेरा डाला, उसके बाद में यहाँ लॉकडाउन 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 अगर कोई गाइडलाइंस जारी हुई है तो सिर्फ कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने, इस शब्द ने जीवन में आम आदमी के जहर घोल दिया है और कमजोर आदमी मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं मर गया है। दबा कुचला वर्ग बिल्कुल अपनी उसके अंदर सांसें तो हैं लेकिन दम उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि उसने अपना दम तोड़ दिया है। जो आदमियों के कार्य थे, रोजगार थे, वो सब खत्म हो गए हैं। और कहीं ना कहीं किसान मजदूर इस देश को पहलने वाला किसान अन्नदाता है। किसानों ने लंबे समय तक किसानों का धरना चला है लेकिन किसानों की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि ऐसे में एक भाई जोड़ चुके हैं हमसे, सर किसान अपनी मांगे लड़ रहे थे, सर क्या किसान सही लड़ रहे थे? गलत, किसान जो अपनी मांगे लड़ रहे थे सर, देश में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा प्रयास यही बना हुआ है, हम न्यूज चैनल से सच दिखाना चाहते हैं, सच सामने लाना चाहते हैं कि आज जो इस देश के हालात हैं, देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं सर दब चुका है, टिकल चुका है, इस बात का बहुत अफसोस है। और देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, नन्हे नन्हे बच्चे कहीं ना कहीं गली गलियारों में सर कंची या कूड़ा बीनते हुए दिखाई देते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर क्या बोलें इस बारे में, आप सब देख ही रहे हो क्या हो रहा है। जी सर, ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान सोने की चुड़िया कहा जाने वाला, इसको ग्रहण लग गया है और हिंदुस्तान हमारा देश है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हैं तो जी तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मुर्दा हैं, मुर्दे बने हुए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी में इतना भयभीत हुआ है आम आदमी कि एक होमगार्ड की वर्दी देखने के बाद में उसको डर लग जाता है, पेशाब निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। और देखिए आम आदमी पर हमेशा मर्दानगी, हम ये कहते हैं कि हमेशा मर्दानगी अपने से कमजोर पर, सर अपने से कमजोर को ही दबाया जाता है और जबर के सामने आदमी बोल नहीं सकता और कहता है इसे सब्र कर लेता है। तो देखिए जबकि कमजोर की सहायता करनी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर को दबाते हैं, कमजोर को सताते हैं। क्या कहना चाहें, कुछ बोलने? कमजोर दबेगा ही, और कौन दबेगा? कमजोर ही दबेगा देखिए, और कमजोर ही इस देश को चलाता है। इस देश का मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर, सबसे ज्यादा दयनीय हालत जो है वो किसान और मजदूर की है और किसान और मजदूर के ही कानों पर इसका बोझ रखा हुआ है। और हमारा प्रयास यही बना रहता है कि हम सच सच सामने लाएं, सच दिखाएं, सच बुलवाएं। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने का। अगर 2 साल जिंदा रहा, 2 साल जिंदा रहा तो दूध का दूध, पानी का पानी सब एक जगह हो जाएगा और ये सब कुछ सामने आ जाएगा। देश की पार्टियां आज देश की गरीबी दूर करते करते इतनी अमीर हो चुकी हैं
इतनी अमीर बन चुकी हैं कि इस देश की गरीबी गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद सपा, बसपा, आज भाजपा। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर देखिए कुछ ना कुछ तो इस देश में गलत हो रहा है और गलत दिखाने का हमने प्रयत्न किया है। क्रेजी मैन न्यूज चैनल के माध्यम से सच हमेशा सामने वाले को हमेशा सच कड़वा लगता है। एक भाषा में कहूंगा कि नामर्द को सच्चे कड़वा लगता है और सच वही बोलता है जो मर्द होता है और सच वही सुनता है जो मर्द होता है, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। झूठ में आज लोग जी रहे हैं, सत्यता सत्य में जैसे लिखा तो है, कहा तो जाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत। और देखिए यहाँ देखिएगा रोज कोई ना कोई, देखिए अब ये बाइक फिसल जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। और एक्सीडेंट से लोग रोज घटनाएं होती है, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, और एक पल में मौत होती है और एक पल में जिंदगी और अगले ही पल सब भूल जाते हैं। सिर्फ दर्द उसी को होता है जिसका मरता है। भैया क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिसका मरता है उसी को दर्द होता है, बाकी हम दिखावा करते हैं। हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि तेरे साथ तेरा मर गया, बहुत दुख हुआ, लेकिन नहीं, चोट उसी को पहुंची है जिसका मरता है। और देखिए ये ऐसे में एक तरफ पार्टियां दावा भर रही हैं कि हम देश को तरक्की दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इस लॉकडाउन इस कोरोना वायरस में बर्बाद हुआ है तो मध्यम वर्ग, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, उसमें इस देश के अंदर सिर्फ वही परेशान है जो कमजोर मध्यम वर्ग। अरे नहीं नहीं परेशान है तो आप बताइए क्या कुछ बोलेंगे। ये जी देखिए भैया का खोखा इस लॉकडाउन में बंद हो गया। देखिए कारण क्या है, जो बिकता रहा 2-4 रुपए की बेच कर बेचारे बेचा खा लिया, बाकी दिया नहीं गया। देखिए आज चिकंजी बेच रहे हैं। और देखिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ चिकंजी की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया बड़े ईमानदार आदमी है बेचारे, ये धोखा लगाते थे लेकिन आज ये धोखे से छोड़ करके देखिए यहाँ चिकंजी पर आ गए। भैया कुछ बोलना बचा रहे हैं लॉकडाउन में ना गाड़ी बना के ना बड़ा महाभियोग हम करा जी। भैया काय की गाड़ी बनाई आपने? बड़ी गाड़ी बनाई आपने 100 रुपए लीटर है जी। देखिएगा डीजल के बारे में तो कुछ, डीजल 100 रुपए लीटर है और देखिए पेट्रोल के दाम कहाँ आसमान छू गए। 56 रुपए अगर तेल हुआ था कांग्रेस के उसमें तो यहाँ हाहाकार मच गया था और देश की पार्टियाँ लगातार उसके विरोध में बैठी थी, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं भी अपने लक खोलने वाला नहीं है। सबसे पहले कोरोना वायरस अगर कोई गाइडलाइन जारी होती है तो कोरोना वायरस से इतना भयभीत कर दिया गया है, इतना डरा दिया गया, इतना समझा दिया गया है कि हम दूसरे को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है ना जी वो मोटरबाजी में पड़ा है, डीजल की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। देखिए तो ऐसे में भैया क्या करें, देखिए आप अपनी गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, कर्जदारी होंगे, कर्जी भी नहीं मिलेगा। एक दिन ये होगा कि जिस गाड़ी में आप लगा रहे हैं वो गाड़ी इस्तेमाल ना करें। और ऐसा ही होता है क्योंकि बड़ी दुकानदार कस्टमर को खा जाती है, उसकी स्टोर उसका शोरूम कस्टमर को खा जाता है और छोटी दुकानदार को खा जाती है। भैया कुछ बोलना चाहिए? देखिए एक किलो नींबू रखे हुए हैं और देखिए सुबह से लगे हुए हैं, देखिए ये नींबू बरकरार रखे हुए हैं और ऐसे में बारिश हो रही है मौसम में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। और देखिए जिस खोखे के अंदर जब हम आते थे तो ये खोखा लगाते थे और इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ था, बिस्कुट नमकीन, और आज हम दिखा रहे हैं देखिए उसमें कुछ नहीं है। कारण बताइए भैया कारण क्या हुआ? हाँ सब यही है का जो सामान था सब इसमें लॉकडाउन में मतलब खत्म हो गया, लॉकडाउन में पैसा कहीं आ गए, पैसा कहीं से आया नहीं, कर्ज मिला जी, तो इसी वजह से सारा मतलब खत्म हो गया है। एक दिन देश ही खत्म हो जाएगा क्योंकि देश की पार्टियां इसे लूट लेंगी। हम कहीं ना कहीं भक्त हैं, कोई मोदी भक्त, मुलायम भक्त, सोनिया भक्त, लेकिन भक्ति हकीकत में सही मायनों में हमारी भक्ति नहीं है जिस भक्ति में हमें होना चाहिए, जिस शक्ति में हमें होना चाहिए। रोटी मिलती नहीं, देखिए जयप्रदा जी यहाँ से सांसद जी का चुनाव लड़ी थी, सांसद जी का चुनाव जयप्रदा जी लड़ रही थी और एक भैया मैंने देखा सुबह सुबह भागता हुआ जा रहा है, मैंने देखा कि भागता हुआ जा रहा है और देखिए मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहा है, उसने कहा जयप्रदा जी आई हुई है जा रहा हूँ। मैंने कहा जिसकी जयप्रदा तेरे घर में है उस जयप्रदा को देख, जिसका 4 दिन से मुंह नहीं धुला है उस जयप्रदा को देख, लेकिन
समाज इसी में डूबा हुआ है। कहीं संजय दत्त खड़े हो जाते हैं, फिल्म स्टार आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, अभिनेता आ जाते हैं, और समाज मूर्खों की तरह अपना वोट देता है और 5 साल नींद से जागती है जनता और 5 साल सो जाती है। सिर्फ वोट देने का अधिकार है, बाकी अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाकी अधिकार तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ वोट दे सकते हैं, बाकी इस देश में कुछ नहीं हो सकता। सर ठीक है सर, हमारे सर वेलकम है हमारे मिचल में सर, देश के अंदर जो हो रहा है सर सही हो रहा है। नहीं सर, मैं तो इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से आप जो भी हैं, मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हम तो वही बोलते हैं जो सच हमारा जमीर हमारा अतीत कहता है, और सच दिखाने की कोशिश की है हमने, सच दिखाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि सच नहीं बोलते लोग, सच कहीं ना कहीं कुचल गया है, दब गया है, सच बोलने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते। लूटो, इसी तरह से ये देश एक दिन लूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, और देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई है कि गरीबों को ही मिटाने के लिए लगे हैं। अभी अगर आज कमजोर गरीब का कोई बच्चा मर जाए या कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नहीं देखेगा, और किसी नेता या बड़े आदमी के यहाँ पर कुछ हो तो सोग मनाने के लिए चले जाते हैं, बाकी गरीब रोज कुचलते रहते हैं, रोज मरते रहते हैं, किसी को किसी की मौत से कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ दिखावा करते हैं, और हम सिर्फ झूठ में जी रहे हैं। ढाकरे जी में न्यूज चैनल हाउसों से देखिए, एक भाई है मेरे, ई रिक्शा चलाते हैं, भैया क्या सच बोलना पाप, सच बोलना पाप है, सच दिखाना पाप है, लेकिन बड़ा दुख होता है लोग सच नहीं बोलते, हम कहीं ना कहीं दब रहे हैं, कुचल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और चुपचाप उसे सह रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? गलत गलत है। देखिए किसी भी धर्म में, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी, हमारे नबी ने भी कहा कि जुल्म कहना भी गलत है और जुल्म करना भी गलत, इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हम अगर कहीं ना कहीं शोषण में फंसे हुए हैं तो उसके खिलाफ हम आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, आज हम कहीं ना कहीं, भैया देखिए आपकी आज ये रिक्शा आपने नई ली होगी पहले, और आज इसकी हालत बहुत खतरनाक हो गई है, और ऐसे में आप इसकी सर्विस भी नहीं करा सकते क्योंकि लॉकडाउन में इतना टूट चुका है आदमी, क्योंकि देश कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। बोल लेंगे, कुछ बोलेंगे? चलिए सर कुछ नहीं, लेकिन दुख है इस बात का, देश में जो हो रहा है उसका दुख है। और देखिए ये भैया हमारे, देखिए ये केले बेच रहे हैं, देखिए मेरा मेहनत का शो पर सैल्यूट है हमारे केबल का। भैया बोलेंगे कुछ? लॉकडाउन से पहले 5,000 रुपए करते जी, आज 1,000 रुपए भी नहीं हुए पब्लिक के पास, लॉकडाउन के वजह से पैसा नहीं, पैसा नहीं है, और देखिए कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुका है देश, और देश इसी तरह से लूट रहा है। और देखिए हमारा प्रयास यही बना हुआ है, हम ये कहते हैं कि जागो जागो, जातियों का जहर पिला दिया जाता है, जब इलेक्शन आते हैं तो जातियों का जहर पिला दिया जाता है, जातियों में बांट दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन शासन अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप तमाशा देखता रहता है। सक्रेजी में न्यूज चैनल, एक दिन अगर मैं जिंदा रहा तो दूध का दूध पानी का पानी जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सच दिखाने का प्रयत्न किया है, सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाने का हौसला सिर्फ सक्रेजी में न्यूज चैनल में है। देश में आवाज नहीं उठाते, देश को नहीं करते, लूटो तुम्हारी औकात ही यही है, और इसी तरह से देश की पार्टियां इस देश को खोखला बना देंगी, देश लूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा।